हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन के एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो जहां आज हम बात करने वाले एंजाइम की, तो ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, दरअसल ये सेशन स्टार्ट हो रहा है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। अभी यहाँ पे कोई कमेंट में ये ना कह देना कि सर आपने एनाटॉमी छोड़ दी बीच के अंदर ही। दरअसल ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी दोनों साथ के साथ लेके आऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको हर चीज़ का एक स्टार्टिंग से बताना चाह रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अभी बायोकेमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले एंजाइम क्यों लिया है। दरअसल बायोकेमिस्ट्री में मेनली चलती क्या, आप सभी को पता है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है वहाँ पर, है ना, मतलब जैसे ग्लूकोज किसके अंदर पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और जो फैटी एसिड्स है वो टूटते हैं किसके अंदर, फैटी एसिड्स किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में टूटते हैं। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म होता है, मतलब उनका मेटाबोलाइज होता है। तो ये सब प्रोसेस किस में चलती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री में ये सब चलने के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो दरअसल जो एंजाइम्स है वो इनके अंदर क्या मेन रोल प्ले करते हैं। अब इनका जो मेन रोल प्ले होता है वो एक सब्सट्रेट को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का होता है, बट हमको जब उसका एक क्रिटेरिया नहीं पता, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जो क्या बोलते हैं, जो सिंथेटेज है और सिंथेज है वो दरअसल क्या क्या काम करते हैं। दोनों का सेम ही काम है, बट किस किस तरीके से वो काम करते हैं वो नहीं पता होगा। काइनेज और जो फॉस्फोराइलेज है वो दरअसल उनका मतलब ऐसा क्या काम है एक रिएक्शन को आगे बढ़ाने के अंदर। तो ये सब दरअसल एक इनकी क्लासिफिकेशन आती है, ये सब एक एंजाइमोलॉजी के अंदर आता है, मतलब एंजाइम का जो स्टडी अपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो कहते हैं अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि मैं जहाँ देख रहा हूँ आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। अगर आप वीडियो का थोड़ा बहुत भी स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे किस जगह से क्या बोल के निकल गया, क्या पढ़ाया हूँ। क्योंकि अब जो बायोकेमिस्ट्री चली है, आपको पता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूरा सुनने का काम है, पूरी तरीके से समझने का काम है। यहाँ पे आप सिर्फ नोट्स को उतार के, नोट्स को डिक्टो कॉपी करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी चीज क्या बोलना चाह रही है। चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के, अदरवाइज हमारा टाइम इसमें क्या ज्यादा लग जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल एंजाइम की। तो जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ, जैसे कि हम हमेशा अपने क्या नोट्स बनाते हुए चलते हैं। अब नोट्स इसलिए बनाते हुए चलते हैं ताकि इजी टू एक्सेस हो, जब हमें जब मेन टाइम आता है किसी, मान लीजिए हमें रिवीजन का टाइम आ गया, या फिर किसी एग्जाम का टाइम आ गया, या किसी भी तरीके से हमारा कोई एक ऐसा इवेंट आ गया जिसके अंदर हमें इसको जल्दी से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम को जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, मतलब रिवाइज करते हैं। अब इसीलिए हम इसको एक नोट्स फॉर्म में हमेशा से लेके चलते हैं, और हमेशा से लेके ही चलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। तो दरअसल जो एंजाइम्स है उनका क्या बोलते हैं, मतलब एंजाइम को एंजाइम क्यों बोलते हैं, उनका मतलब काम क्या है। दरअसल जो एंजाइम है वो किसका काम करते हैं, वो करते हैं बायो कैटलिस्ट का, मतलब बायो जो कैटलिस्ट है उनका काम करता है, और वो काम क्या करते हैं, बायोकेमिकल की जो रिएक्शन है उसकी जो एक ग्रोथ होते हैं, मतलब उस केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड है उसको बढ़ा देंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम सेम ही वर्क करे, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो स्पीड को कम भी कर देते हैं, तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से स्पीड को क्या करते हैं, बंद ही कर देते हैं, मतलब वो जो प्रोडक्ट है सब्सट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, रिएक्शन आगे नहीं जा पा रही। बट यहाँ पे मेनली जो एंजाइम्स का यूज दिया जाता है वो एंजाइम को किस लिए यूज लिया जाता है, एंजाइम को बायो कैटलाइज के लिए यूज लिया जाता है, और जो कि क्या काम करती है, इंक्रीज करने का काम करती है किसको, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख के चलूंगा, तो ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बायो कैटलाइज, ठीक है, अब बायो कैटलाइज हो गया। अब बायो कैटलाइज का अब ये काम क्या करेगी, बायोकैटलाइज आपको पता ही है क्या काम करती है, इंक्रीज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, अब एंजाइम हो गया, तो एंजाइम बायोकैटलाइज की तरह काम कर दिया। अब इसको कुछ बोलना भी तो चाहिए, मतलब एंजाइम
क्या अब इसका एंजाइम का कुछ जो नॉमिनेशन है वो भी तो होना चाहिए कि भाई उसका क्या नाम है, उसका किस तरीके से नाम नोमेनक्लेचर क्या है क्या नहीं है। तो हर एंजाइम के जो सुफिक्स में मतलब लास्ट के अंदर है उसका क्या होता है, एक एज लगता है, क्या बोलते हैं एज, जैसे किस किस मैं बात करूं सुफिक्स की, तो इसका सुफिक्स लास्ट में क्या रहेगा, हर जिसकी भी वर्ड के पीछे एज आ गया, एज वो क्या है, वो एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। अब ये एज भी किसके नाम के पीछे लगता है, सबस्ट्रेट के नाम के पीछे, क्योंकि हर जो भी एंजाइम है वो किसके नाम पे रखा गया। अभी मान लीजिए कि अगर कोई भी एंजाइम, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे जो एंजाइम है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलेज, उसको ग्लाइकोलेज या हेक्सोकाइनेज बोलते हैं, सॉरी ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज के नाम से आया, मतलब सबस्ट्रेट के नाम से आया, ठीक है। अब एंजाइम होता क्या है, जो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करे, वर्क करे, जो कि क्या करे सबस्ट्रेट। अब देखो मैं थोड़ा सा क्या किया, मैं इसको इंग्लिश में लेके चलूंगा ताकि क्या क्या होगा ये सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपने जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नॉर्थ इंडियन के भाई है जिनको क्या है कि दरअसल हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत क्या है कि इंग्लिश में भी लेके चलूंगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको उस तरीके से भी वर्ड यूज में करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करने वाला था एंजाइम, व्हाट इज द एंजाइम, एंजाइम द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट्स, इसको सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एक्ट करेगा, सॉरी एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करेगा वो होगा सबस्ट्रेट, बट वहीं एंजाइम जिसके लिए एक्ट करेगा, मतलब अब सबस्ट्रेट के ऊपर अगर एंजाइम अगर अपना वर्क कर रहा है तो वो एक अपना प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, वो उसका क्या होगा लास्ट प्रोडक्ट, जिससे उसको लास्ट प्रोडक्ट नहीं कह सकते बट मतलब उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तीसरा हो गया, मतलब हमने आपको ये भी कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है, ऑल एंजाइम आर नॉट अ प्रोटीन, सम काइंड ऑफ एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ सम अनदर कल्चर, जस्ट लाइक आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटीन हो गया, जिसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, राइबोजाइम। तो अब राइबोजाइम क्या करता है, ये कैटेलाइज है, ये भी एक तरीका क्या क्या कि एंजाइम ही है जो कि कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल एंजाइम्स आर नॉट अ प्रोटीन, ओके, ऑल एंजाइम्स आर नॉट अ प्रोटीन। तो अब इसके अंदर अगर ऑल एंजाइम्स अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या है, कुछ आरएनए कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स, जस्ट लाइक राइबोजाइम, ओके, ये हो गया राइबोजाइम। यहां पे एक दरअसल क्या होता है, एक टाइप ऑफ एंजाइम यहां पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, एबेजाइम, एबेंजाइम। अब एबेंजाइम में क्या है, वहां पे एक कैटालिटिक एंटीबॉडी रहती है और एक एंजाइम आपस में क्या जुड़ा हुआ रहता है, जो कि क्या करते हैं, वो करते हैं कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये सारे कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो हम आगे अपनी वीडियोस में जानेंगे। ये क्या हो गया एबेंजाइम, है ना। अब एबेंजाइम में क्या होता है, एबेंजाइम में होता है कैटालिटिक एंटीबॉडी प्लस एंजाइम, ओके। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द एबेंजाइम। एबेंजाइम इज ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन इज द एंजाइम विद कैटालिटिक एंटीबॉडी विच हेल्प्स टू सम बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंड व्हाट वाज द रिएक्शंस, व्हाट इज द रिएक्शंस, we will study it our next time। Now हम पढ़ेंगे mechanism of enzyme catalyst। mechanism of enzyme catalyst।
ओके। अब इसमें क्या करेगा, एंजाइम्स विल प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे टू फ्लो ए एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसे क्या कर देगा, उसको क्या कम कर देगा। अब एंजाइम उसको जो एक अल्टरनेटिव पाथवे जो लो एक्टिवेशन एनर्जी करके जो प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब जो एक रिएक्शन है उसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे, सॉरी एक पाथवे चलता है एक्टिवेशन एनर्जी का, एंजाइम क्या करता है उसको कम कर देता है, उसको एक अल्टरनेटिव पाथवे बना देता है, उस रिएक्शन को जल्दी आगे बढ़ाने का एक जरिया बना देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ को जरूरी नहीं कि आप डिजाइन लगा के बनाओ, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या है, यहां से एक जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन की बात बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन वो क्या करेगी, मान लीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से गई और ये यहां पे इस तरीके से आ गई, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल किसकी है, अनकैटलाइज्ड जो रिएक्शन है उसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी है कि कहां से किस तरीके से पाथ बना के जा रही है। अब यहां पे हमने क्या किया, देखिए मैं पहले इसको नोट कर देता हूं, अदरवाइज आपको क्या बाद में कंफ्यूजन रहेगा। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विदाउट एंजाइम। अब यहां पे क्या है, मान लीजिए यहां पे क्या 100 मॉलिक्यूल्स है ना, यहां पे टोटल 100 मॉलिक्यूल्स है। अब ये इतनी ऊपर से जाकर आई, अब इसके अंदर डेफिनेटली अगर पाथवे चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस भी होगी, इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे पाथवे होंगे जहां पे क्या प्रोडक्ट्स को भी क्या करेगा, ये आपस में कंज्यूम कर लेगा, प्रोडक्ट्स सही तरीके से बन नहीं पाएंगे। तो यहां पे मान लीजिए कितने प्रोडक्ट्स बने, ये टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके कितने प्रोडक्ट्स बने, जिसके टोटल प्रोडक्ट्स बने 20 प्रोडक्ट्स। अब इसमें एंजाइम क्या वर्क करेगा, अब ये रिएक्शन तो सही से चल रही है बट इसका एक अल्टरनेटिव पाथवे बना देगा जो कि कहां पे जाएगा, वो सीधा का सीधा इसी तरीके से, बट एक्टिवेशन एनर्जी को ना इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये क्या है, ये एक वो अल्टरनेटिव पाथवे है, अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो कि मैं इसको किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इजी तरह समझाओगे, चाहे वो अपने नॉर्थ इंडियन के भाई हो चाहे वो साउथ इंडियन के भाई लोग हो, सबके सब इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, क्या हो गया, एंजाइम्स की जो डेफिनेशंस या किसी तरीके से आपको बोलूं कि एंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, अब हम यहाँ बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की।